हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की हमारी अगली क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज भारत में परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यह क्लास 8th नंबर का पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी 7 पार्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स, जाकर वो देखिए। आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर फॉलो करिए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, समीक्षा इंस्टीट्यूट के नाम से ही है फ्रेंड्स। ठीक है, वेबसाइट को भी विजिट करिए, वहाँ पे भी बहुत सारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाकर आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफी अच्छा पैकेज भी है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं, दोनों तीनों चीजें। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का जो टॉपिक है हमारा भारत में परिवहन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो भी इनोल क्वेश्चन, जितने 4 पार्ट में हमने परिवहन को बांटा है, ठीक है, एक याद रखना। और जो भी इससे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं देखने को मिलते हैं, पिन पॉइंट्स, वो सब की सब इसमें कवर हो जाएंगे फुल डिटेल के साथ। बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं हम भारत का परिवहन। भारत का परिवहन को सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं कि इसको हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले नंबर पर आता है सड़क परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, रेलवे परिवहन एवं वायु परिवहन। देखिए, ये 4 पार्ट्स में हमने इसको बांटा है, ये 4 पार्ट्स को हम इसको कवर करवाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए हम सड़क परिवहन को देखेंगे पहले नंबर पर। ठीक है, पहले नंबर पर सड़क परिवहन, फिर रेलवे परिवहन, फिर जल परिवहन, फिर वायु परिवहन में पूरी डिटेल के साथ, और लास्ट में जो जो पॉइंट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बनते हैं, जैसे बंदरगाह हो गए आपके, जो भी बनते हैं, जो हम इसको कवर करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सड़क परिवहन से। पहले पिन पॉइंट्स देखते हैं सड़क परिवहन से। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की तीसरी विशालतम प्रणालियों में से एक है, तीसरे सिस्टम में से एक है, सबसे बड़ी प्रणाली में से। ठीक है, देश में यातायात का प्रमुख माध्यम सड़कें हैं। देश में लगभग सड़कों की कुल लंबाई 33,00,000 किलोमीटर है। देश में कुल यातायात का 85% लोग सड़क यात्रा के माध्यम से करते हैं। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में मिलेगी, आपको याद रखना। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर? महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में सड़क घनत्व, भारत में सड़क घनत्व का वितरण असमान है। देखा जाए तो सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर 75 किलोमीटर पर है। अधिकतर उत्तरी राज्य तथा प्रमुख दक्षिणी भारतीय राज्यों में सड़कों का घनत्व अधिक है, जबकि यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में यह क्षेत्रफल हमको घनत्व कम देखने को हमको मिलता है। ठीक है, याद रखना। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि 387.24 किलोमीटर है, तथा सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में मिलेगा, वहां पर 10.48 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग पर है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में इसी नाम से की गई थी। इसे फरवरी में 1995 में अपना काम प्रारंभ किया था। इसने काम प्रारंभ कब किया था? NHAI ने फरवरी 1995 में। वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है, जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% है। इन राष्ट्रीय राजमार्गों से सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न होता है। जी देखिए, अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, ना ही कुल सड़कों की बात कर रहे हैं, तो माइंड डाइवर्ट मत करना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट तरीके से आप पढ़ोगे, जब भी आपको ये मैटर याद हो पाए और समझने का प्रयास करें। देश में 235 के लगभग और ऊपर नीचे हो, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH7, जो बनारस से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। ठीक है, देश का सबसे पुरानी सड़क GD रोड, ग्रांड ट्रक रोड है, जो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो NH47A है, इसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत अगर बात करें हम सड़कों के अंतर्गत, तो
5,840 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5,500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। देश का पहला 6-लेन एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के मध्य बनाया गया है। केंद्रीय भूतल परिवहन 14,000 किलोमीटर लंबे सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना बना रहा है। इस योजना में सभी बंदरगाहों को प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना भी बनाई गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, इसका उद्देश्य दोनों शहरों के मध्य 1483 किलोमीटर लंबी फ्रंट कॉरिडोर की स्थापना करना है। इसमें आधारभूत संरचना की व्यवस्था भी की जाएगी। इस परियोजना में कई लॉजिस्टिक और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क, 4,000 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन इकाई और गुजरात महाराष्ट्र में ग्रीन फील्ड बंदरगाह का निर्माण करना भी है। यह परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना बनाई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े राजमार्ग हैं हमारे, जैसे कि ये कोलकाता से लेकर हमारा दिल्ली हो गया, फिर दिल्ली से ये लाहौर के मतलब बॉर्डर तक गया हुआ है, फिर दिल्ली या आगरा से ये मुंबई तक आया, फिर मुंबई से चेन्नई और बेंगलोर, फिर उसके बाद हैदराबाद होते हुए जो कोलकाता, ये सारे सारे बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको आप देखेंगे, चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या दिल्ली से अमृतसर 1 है, बाया जे अंबाला और जालंधर में जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पहला कहाँ से, दिल्ली से अमृतसर, चित्र में आप देखते जाइए यहाँ से दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। दूसरा वाला दिल्ली से कोलकाता है, और दोनों को याद रखना है, अगर 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बन जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बन जाती है। ठीक है, याद रखना, जीटी रोड बन जाती है। 1 और 2 को अगर कोलकाता से अमृतसर तक जोड़ दिया जाए, पहले क्या, देश आजादी के पहले ये लाहौर तक जाता था, तो कोलकाता से लाहौर तक ये पूरा ग्रैंड ट्रंक है, जीटी रोड के नाम से प्रसिद्ध था, शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आगरा से मुंबई है, वाया ग्वालियर और नासिक होते हुए। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग थाने से मद्रास है, वाया पुणे और बेलगाम होते हुए। राष्ट्रीय थाने से मद्रास मतलब मुंबई से, एक तरीके से मुंबई से ये कहाँ तक, चेन्नई तक जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 धुलिया से कोलकाता है, वाया नागपुर होते हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी है, वाया हैदराबाद और कर्नूल और बेंगलोर होते हुए। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 ही है, यही वाला जो सबसे लंबा है, कौन सा सबसे लंबा है। ठीक है, याद रखना, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 7 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कहाँ से जाता है आपका, आपका बनारस से स्टार्ट होता है और बनारस से होते हुए, ठीक है यार, अभी मैं आपको चित्र में बता देता हूँ कहाँ से निकला है। देखिए बनारस से यहाँ से होते हुए, यहाँ से निकलता हुआ पूरा कहाँ पर पहुँचा है, तमिलनाडु, यहाँ पे कन्याकुमारी में पहुँचा है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है। ठीक है, चलिए प्रमुख राजमार्ग और उनकी लंबाई की अगर बात करें, तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई देखें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की जो लंबाई है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक है, 2369 किलोमीटर है। दूसरा जो 6 धुलिया कोलकाता, वो 1646 किलोमीटर वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो है कटक से मद्रास, 1533 किलोमीटर है। चौथा जो है राजमार्ग 15 पठानकोट रामखिलिया गुजरात, 1526 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे रेलवे परिवहन की, सड़क परिवहन को एक बार और रिवीजन कर लें आप, रिकैप करके वीडियो देखें, इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा ही पूरा। रेलवे लाइन स्टार्ट करते हैं, रेलवे परिवहन या स्टार्ट करते हैं। रेलवे भारत में परिवहन का एक प्रमुख साधन है। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुई थी। इस रूट की लंबाई 34 किलोमीटर थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारतीय रेलवे व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 63,000 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग छुपा हुआ है। इसका लगभग 33% भाग विद्युतीकृत है, बाकी का कोयला और डीजल पर आधारित चलने वाले रेलवे इंजन, जिसमें प्रतिदिन 18 मिलियन लोग यात्रा करते हैं। 20 टन से अधिक का माल ढोया जाता है प्रतिदिन। देश के कुल माल भाड़ा यातायात का 18 मिलियन से, यहाँ पर तात्पर्य याद रखना,
करीबन 2 करोड़ के लगभग यानी 1,80,00,000 के लगभग लोग रोजाना यात्रा करते हैं। देश के कुल माल भाड़ का 35% से अधिक रेल के द्वारा ढोया जाता है, जिसका प्रबंधन रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जो रेल मंत्रालय के तहत आता है। इसके बाद रेलवे नेटवर्क बिछाने का विचार इंजीनियर जॉर्ज क्लॉर्क ने दिया था। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेलवे नेटवर्क बिछाने का जो काम है वो किसने, जॉर्ज क्लॉर्क ने दिया था। ठीक है, रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जन्मभूमि गौरव नामक एक विशेष परियोजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है, जो पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा लागू की गई। भारतीय रेलवे जोन जो मुख्य रूप से 17 है, उनको एक बार देख लीजिए। मोस्टली इनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं। पहले नंबर पर दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में, ठीक है, मध्य का मुंबई में, पश्चिम का मुंबई में ही है चर्च गेट में, पश्चिम और मध्य दोनों का, उत्तरी का नई दिल्ली में मिलेगा, उत्तर पूर्वी का गोरखपुर में। मुख्यतः राज्य हिंदी के नाम अगर आप कन्फ्यूज हो जाओ तो इस शॉर्टकट नाम से भी आपको ज़्यादातर अगर आप देखें तो जब आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो शॉर्टकट नाम भी इनके पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर का उत्तरी पूछ लिया जाएगा या फिर नॉर्थ, लेकिन जब उत्तर पूर्वी का तो उत्तर और पूर्वी यानी पहला अक्षर इनका काउंट होगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, सारे की सारे को अगर एक बार पढ़ लोगे और दोबारा रिविजन करोगे तो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत के पहले वर्ड दे देंगे, वो आपको पूछा ऑप्शन दे देगा, मालेगांव, दक्षिण पूर्व का कोलकाता, गोरखपुर, फिर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से बहुत कन्फ्यूज क्रिएट होता है। अगला देखें, पूर्वी मध्य का हाजीपुर में, उत्तर पश्चिम का जयपुर में, इसी प्रकार पूर्वी तट का भुवनेश्वर में, उत्तर मध्य का इलाहाबाद में, दक्षिण पूर्वी मध्य का बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम का हुबली और पश्चिम मध्य का जबलपुर, एंड लास्ट मेट्रो रेलवे का कोलकाता का कोलकाता। ठीक है, जहाँ जहाँ मुख्य रूप से अगर मेट्रो है चालू है, जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली मेट्रो का दिल्ली में ही रहेगा, कोलकाता का कोलकाता और बेंगलोर का बेंगलोर में। ठीक है, इसमें भी कन्फ्यूज मत होना अगर पर्टिकुलर नाम से पूछा जाए तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ प्रकार देखेंगे कि जो रेलवे चलाई जाती हैं किन लाइनों पर चलाई जाती हैं, कि इनकी लाइन के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर इंडिया की बात करें तो 3 मुख्य लाइन हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर चित्र में आप 5 देख रहे हो, लेकिन ये क्या है, नैरो गेज के अंतर्गत ही आती, 2 लाइन हमारी नैरो गेज के अंतर्गत ही आ जाएंगी। ठीक है, याद रखना, बाकी की एक स्टैंडर्ड लाइन होगी और एक ब्रॉडगाज होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड और ब्रॉडगाज मीटर लाइन में हम एक ही को देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ब्रॉडगाज देखेंगे। ब्रॉडगाज में ब्रॉड लाइन की जो लंबाई है, कुल लंबाई की अगर बात करें तो 46,807 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है, जो देश के कुल रेल मार्गों की लंबाई 74% है। ब्रॉडगेज बड़ी लाइन में 2 रेलवे पटरियों के बीच की चौड़ाई की अगर बात करें तो जो लाइनें होती हैं वो बीच की चौड़ाई के ऊपर रहती हैं। तो बड़ी लाइन जो ब्रॉडगेज होती है, वो ब्रॉडगेज की जो चौड़ाई होती है बीच की 1.676 मीटर होती है, बस इसके आधार पर ही ये लाइनों की चौड़ाई नापी जाती है। ठीक है, ब्रॉडगेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितनी बात करें 1676 mm या फिर मीटर आप देख सकते हैं जो ब्रॉडगेज की है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, अगली आती है मीटर लाइन। मीटर लाइन की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर की रहती है। ठीक है, 1 मीटर की यानी कि 1000 mm की। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 13,290 किलोमीटर है, ये टोटल लंबाई की बिछी हुई पटरियाँ, याद रखना, ये देश के कुल रेल मार्ग की लंबाई का 21% है। मीटर गेज में 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर है। छोटी लाइन की अगर नैरो गेज की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3000 के आसपास है, जो भारतीय रेल की कुल लंबाई का 4% ही है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित है। नैरो गेज की 2 पटरियों की चौड़ाई की अगर बात करें तो 762 mm से लेकर 600 mm तक की ये होती हैं। देखिए नैरो गेज में हमारी यहाँ पर 3 आ जाएंगी, एक तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा 610 mm का, 762 mm का आ जाएगा जे किसमें, नैरो गेज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पिन पॉइंट्स देखेंगे रेलवे से संबंधित। विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, याद रखना। ठीक है, डिब्रूगढ़ से विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है। ठीक है, इससे पहले यह हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मूवती से कन्याकुमारी के बीच चलती थी वो 3700 किलोमीटर की थी, और जी 4200 किलोमीटर की विवेक एक्सप्रेस। ठीक है,
पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय कहाँ पर? गोरखपुर का रेलवे रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है 1.3 किलोमीटर का, ठीक है 1300 मीटर का। इसके पहले खड़गपुर का विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था, ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा 1972 में बनी थी। यह योजना 24 अप्रैल 1984 से अमल में आई। दमदम से टालीगंज के लिए शुरू की गई भूमिगत रेलवे वर्तमान में 25 किलोमीटर अंतर्गत। भारत में सर्वाधिक पुराने इस नगरीय मेट्रो को भारतीय रेलवे का 17वां जोन भी बना दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल, यह परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। दिल्ली मेट्रो इसके जरिए परियोजना जापान व कोरिया की कंपनियों की मदद से दिल्ली मेट्रो रेल का संचालन 5 मार्च 1995 को स्थापित दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड TMRC के द्वारा किया गया था। भारत में कोलकाता के पश्चात यह दूसरा भूमिगत तीव्रगामी पारगमन प्रणाली है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30,000 से सादरा के बीच चलाई गई, ठीक है 30,000 से सादरा के बीच चलाई गई। कुल 142 स्टेशन है। कुल परिवहन 189 किलोमीटर है, 190 किलोमीटर। देश का सबसे बड़ा यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश का रेलवे यार्ड की अगर बात करें तो हम देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो मंकी हिल से खंडाला के बीच में ये सुरंग करीब 2100 मीटर लंबी यानी 2 किलोमीटर के लगभग। रेलवे ने वर्ष 2007 और 8 को स्वच्छता वर्ष घोषित किया था। कोंकण रेलवे 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग महाराष्ट्र के रोहाकु कर्नाटक के मैंगलोर से जोड़ता है। इसे इंजीनियरिंग का एक अंगूठा चमत्कार भी कहा जाता है। यह रेलमार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है। इस उद्यम में कर्नाटक गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य भागीदार हैं। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंधन की दृष्टि से रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। कोलकाता मेट्रो को 17वां रेलवे जोन बनाया गया है। रेलवे जोनों में उत्तरी रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है जिसकी संख्या 6,696 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है, ठीक है। अगला आता है हमारा जल परिवहन। देखिए सड़क परिवहन हो गया, रेलवे परिवहन हो गया, जल परिवहन। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम में जलमार्ग है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास रखरखाव नियमन के लिए 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आंतरिक जलमार्गों से भारत के आंतरिक परिवहनों का केवल 0.15% कार्गो की आवाजाही होती है जो जर्मनी के 20% और बांग्लादेश के 32% की तुलना में काफ़ी कम है। ऐसी सुविधा वाली प्रमुख नदी घाटियां गोवा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, तृष्णा, ताप्ती, पश्चिमी तट एवं सुंदरबन क्षेत्र में विद्यमान है। वंकिंगम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पूर्वी व पश्चिमी तट को 9 अन्य नहरों से जोड़ने एवं सेतु समुद्रम से कैनल प्रोजेक्ट को 2005 में स्वीकृत प्रदान कर दिया गया था। इस परियोजना के तहत मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ने हेतु 167 किलोमीटर लंबी 9 अन्य नहर बनाने की भी बात की गई थी। इस परियोजना से 424 नॉटिकल मील से 785 किलोमीटर की यात्रा कम हो गई। इस परियोजना का कार्यान्वयन तुतिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट तमिलनाडु द्वारा किया गया। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। अगर जल परिवहन है उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, आंतरिक और सामुद्रिक। आंतरिक में हम बात करेंगे यह परिवहन नदियों, आंतरिक परिवहन में पहले नंबर पर जिसको बांटा है। आंतरिक परिवहन नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया। देश में 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। पहले नंबर पे आता है नेशनल वाटरवे। बात करते हैं नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद हल्दिया खंड 1620 किलोमीटर लंबी गंगा नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। वर्ष 1986 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2
ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी जलमार्ग जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है इसे 1988 में घोषित किया गया। तीसरा आता है NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग कोल्लाम से कोट्टापुरम 168 किलोमीटर पश्चिमी तटवर्ती नहर के साथ 23 किलोमीटर चपाकान नहर और 14 किलोमीटर उद्योग मंडल नहर को जल मार्ग संख्या 3 घोषित किया गया। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर इसे वर्ष 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। ठीक है, नेशनल वाटरवे के नाम से भी इसको जानते हैं NW को। ठीक है, नेशनल NH जैसे नेशनल हाईवे होता है उसी प्रकार NW नेशनल वाटरवे होता है। उसी प्रकार नेशनल वाटरवे 4th गोदावरी कृष्णा नदी के साथ काकीनाड़ा पुडुचेरी नहर भद्राचलम राजमुद्री वजीराबाद विजयवाड़ा इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है इसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। NW5 ब्रह्मण नदी और महानदी डेल्टा के साथ पूर्वी तटीय नहर इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है इसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। NW6 राष्ट्रीय जलमार्ग 6 असम में बराक नदी पर पांगा से लखीपुर तट के बीच 121 किलोमीटर तक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया इसे 2013 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। दूसरे नंबर पे आता है सामुद्रिक जलमार्ग। ये तो आंतरिक जलमार्ग हो गए, सामुद्रिक जलमार्ग यानी बंदरगाह जो कि समुद्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश का प्रवेश द्वार है। देश का लगभग 1% विदेशी व्यापार का संचालन करते हैं बंदरगाह। ठीक है, भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7517 किलोमीटर लंबा व्यापारिक सामुद्रिक तट है। 13 राज्य संचालित प्रदेशों तहत फैला हुआ 7517 किलोमीटर बड़ा भारत का समुद्र तट जिस पर 13 प्रमुख पतन व 187 छोटे व मझले बंदरगाह या पोर्ट हैं। आगे वाली स्लाइड में हम पूरे पूरे पोर्ट कवर करेंगे। ठीक है, 13 प्रमुख पतन कुल माल की लगभग 3/4 की ढुलाई करते हैं जिसमें से पिछले 7 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में विशाखापट्टनम मॉल ढुलाई में सबसे ऊपर रहा। भारत के सामुद्रिक परिवहन का नियमन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। बड़े बंदरगाहों के प्रबंधन में विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मुंबई व कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं जबकि कांडला ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई व कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। व्यापारीय व्यापार भारत का व्यापार का 90% भाग समुद्री मार्गों द्वारा किया जाता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची केरल में है। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ठीक है, यह इंडिया का मैप है पूरा ही पूरा। यहाँ पे आपको मुंड्रा, कांडला, सिक्का, दहेज, मुंबई, JNPT, रत्नागिरी, गोवा, न्यू मैंगलोर, कोचीन, तुतिकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, ठीक है, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये सारे की सारे बंदरगाह हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक से। चेन्नई बंदरगाह कोचीन जिस सबको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा किस राज्य में। एन्नौर जवाहरलाल नेहरू, कांडला, कोलकाता, मारमुंगा, गोवा, नवी मैंगलोर, मुंबई, पारादीप, नवी तुतुकोरिन और विशाखापट्टनम, ये सारे ही सारे बंदरगाह हैं। ठीक है, याद रख। जल परिवहन, रेलवे परिवहन, सड़क परिवहन तीनों कंप्लीट। अब आते हैं वायु परिवहन की तरफ। देश में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 के इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा 1922 में कराची और मद्रास के बीच शुरू की गई। भारत में 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनके प्रमुख हैं जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा एक जो मुंबई में। यही क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं वायु मार्ग में, वायु परिवहन में। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में। मीनाकम हवाई अड्डा चेन्नई में। राजस्थान से हवाई अड्डा अमृतसर में। बेगमपेड़ा हवाई अड्डा हैदराबाद में। आइजोल हवाई अड्डा मिजोरम में। श्री सत्यसाई हवाई अड्डा फुटपर्थी हैदराबाद में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। JSW विजयनगर हवाई अड्डा कर्नाटक में।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, लोकप्रिय गोपीनाथ वारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस में, डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शमशाबाद आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवहल्ली कर्नाटक में। देश में 1953 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। एयर इंडिया सिर्फ विदेशों को वायु सेवा उपलब्ध कराती है, इंडियन एयरलाइंस देश के अंदर और पड़ोसी देशों के साथ वायु सेवा का उपलब्ध कराती है। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया और यह दोनों कंपनी अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हैं। कंपनी का नाम ब्रांड नाम इंडियन है, इसका शुभंकर महाराजा है, ठीक है। 1981 में देश की घरेलू विमान कंपनी वायुदूत नामक निगम की स्थापना की गई, अब इसका विलय इंडियन एयरलाइंस में भी कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चार और परिवहन भूगोल का हमारा 8वां नंबर का पार्ट। 9वें नंबर के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार का, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्तों तक पहुंचाएं। समीक्षा इंस्टीट्यूट से हर सोशल मीडिया पर आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।